इतने बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रायोगिकता क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इधर राज्यों को भी विभिन्न अधिकार है, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, इट विल रिजल्ट इन टू नो नेशन नो इलेक्शन नो लीडर, इट विल बी अ फैसिस्ट स्टेट। वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट फॉर डेमोक्रेसी, इट इज अ स्ट्रेट डायरेक्ट अटैक ऑन डेमोक्रेसी। ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आपको अगर करना होगा तो आपको संविधान बदलना ही होगा। आपको अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो आपको संविधान बदलना ही होगा। वो छुपे नहीं, वो खुले तरीके से करते हैं। हम कर क्या सकते हैं? ये देश अब तैयार हो गया लड़ाई लड़ने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से आप लोगों को इशारा दे चुके हैं, हम अभी भी संविधान बदलेंगे और हम मर जाएंगे लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। देखो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता उनको इलेक्शन लेना है, क्योंकि बीजेपी सर्वे पे बहुत विश्वास रखता है। जो सर्वे के नंबर हमको पता चल रहे हैं उनके, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता नहीं आ रही है, तो अब क्या करेंगे? केंद्र में उनकी सरकार है, अब देखेंगे आज क्या करता है केंद्र। बिहार में केंद्र की भी जिम्मेदारी है, केंद्र में नीतीश कुमार पार्टनर है, नीतीश कुमार के राज्य में यह हुआ है। एक तरफ मुसलमानों को मारो, एक तरफ दलितों को मारो, एक तरफ ओबीसी को छेड़ो, क्या चालू है क्या इस देश में? नीतीश कुमार जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो खुद को लोहियावादी कहते हैं, जो खुद को कर्पूरी ठाकुर के लाइनेज में देखते हैं, जो समाजवादी विचारों के माध्यम से ऊपर आए, एक वक्त के विद्यार्थी नेता हैं, और उनके राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या मतलब है राज्य व्यवस्था का? देखो मैंने पहले ही कहा है कि दंगल होने वाली थी, परोपकारी जी ने रुका दी। ये दंगल करने का हेतु किसका था वो पूरे भिवंडी को मालूम है। अपनी राजकीय पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए ये दंगल भड़काने का काम किया जा रहा था। मुझे आनंद है कि हमारे खासदार बाड़िया मामा ने जो भूमिका निभाई उससे ये दंगल हम रोक सके। आज के सदी में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये चाहता है कि मैं दंगा भड़काऊं, तो इस पॉलिटिकल लीडर की मानसिकता क्या है? देखो अगर भिवंडी अशांत हो जाता है तो आपको मालूम है कम से कम लाख लोग खाना नहीं खा सकेंगे, क्योंकि जिनका हाथ पे पेट है ऐसे लाख लोग भिवंडी में। इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है। आज उधर कहीं लूम्स अच्छे चल रहे हैं, गोडाउन का धंधा अच्छा चल रहा है, दोनों अगर धंधे मार खा जाएंगे तो कम से कम 2 लाख लोग बेकार हो जाएंगे, 2 लाख नहीं उसके ऊपर कंप्लीट भिवंडी की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगी। देखो ये सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के पहले दंगे होते रहे ताकि ध्रुवीकरण हो जाए। ये साजिश ही है ना, जब एक दंगा रुकाने वाले डीसीपी को आप उठा के बाहर फेंक देते हो 24 घंटे के पहले, बिना कोई चौके कोई इंक्वायरी नहीं उसके ऊपर, कोई आरोप नहीं उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके आगे कोई पुलिस डेरिंग नहीं करेगा दंगल रुकाने की, बोलेंगे भाई जलाओ जलाओ जलाओ।